जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और कार्यों से प्रसन्न होकर पुनः उसे वापस लाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। आज की डेट में पूरी सुरक्षित रूप से उत्तर प्रदेश हमारा है, कहीं कोई दंगा नहीं है। अखिलेश यादव जी अगर कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, वो 4 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़विन और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गाजीपुर की सदर विधायक एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़विन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी आटें शुरू हो गई हैं, इस बार आप अपने विधानसभा सीट पर किसे सबसे बड़ा चुनौती मानती हैं? 2017 से ही जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यशस्वी मुख्यमंत्री मुझे मिले, पूरे प्रदेश को मिले, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिस तरह से योजनाएं चलाई गई नागरिकों के लिए, जनता के लिए, और उसे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया गया, और आज जब हम कार्यकाल का अंतिम पड़ाव पे हैं और इतने समय अवधि में क्षेत्र में इतने काम हुए हैं, पूरे प्रदेश में इतने काम हुए हैं कि सामने हमें कोई भी चुनौती नहीं दिखती है, और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और कार्यों से प्रसन्न होकर पुनः उसे वापस लाना चाहती है। मैडम, आप राज्य सहकारिता मंत्री हैं, प्रदेश के चुनाव में आप किस पार्टी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानती हैं, चुनौती मानती हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी आपने देखा, हाल ही में सर्वे हुआ और वो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में पहले नंबर पर आए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा तपस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जहां पर हैं, वहां पे कोई भी अपना जो दूसरे दल है वो अपना अस्तित्व बचा ले उनके मुकाबले, यही उनके लिए बड़ी बात है। प्रदेश में दो अन्य पार्टियां भी आई हैं, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी और एक ओवैसी की पार्टी, ये भाजपा को कितना कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? भाजपा को नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाएगा। भाजपा उनको नुकसान पहुंचाई है जो देश के खिलाफ गलत काम करते हैं, और आज आप चहु और देख सकते हैं कि किस तरह से माफिया भयभीत हैं, किस तरह से भ्रष्टाचारी भयभीत हैं। नुकसान उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है, और आज की डेट में पूरी सुरक्षित रूप से उत्तर प्रदेश हमारा है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई उपद्रव नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार हम 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोई कितनों सीटों के लिए कह सकता है, अखिलेश यादव जी अगर कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि वो 4 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि जनता को पता है कि देश को तोड़ने वाली जो दल बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, या फिर उन अराजक तत्वों का पक्षधर जो है उनकी उनका जो समर्थन करते हैं, वैसे दलों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, और वो चाहते हैं कि जैसे पहले अयोध्या हमारी थी, जैसे हमारा मथुरा था, जैसे हमारा वृंदावन था, जैसे हमारी काशी की पूजा पूरे विश्व में होती थी, वो अब योगी जी के आने के बाद और मोदी जी के आने के बाद हो रहा है, और वही चीज वह 2022 के बाद भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए निसंदेह हमें भारतीय जनता पार्टी को ही लाना होगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में काफी सक्रिय हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर अन्य जगह, हर जगह वो दिख रही हैं। वहीं उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस बार हम 40% महिलाओं को सीटें देंगे, इसको किस रूप में देख रही हैं आप? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम योजना संचालित किए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भरपूर स्थान मिला, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी भरपूर स्थान मिला महिलाओं को, महिलाएं अधिक सीटों पर जीत रही हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। और ऐसे में
जब हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों के लिए कार्यक्रम चलाए, वो जन जन तक पहुंचने लगा, तो उसका असर दूसरे दलों पर भी पड़ा, जो विपक्ष के दल हैं उन पे भी असर पड़ा, और उन्हें लगा कि देश के प्रधानमंत्री बेटियों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, उनके पे प्रभाव पड़ा, और वो फिर 40% सीट महिलाओं को देने की बात कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी है कि हमारे जो हमारा जो नेतृत्व है देश का, उसको विपक्ष के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैडम, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 कौन कौन से सबसे बड़े विकास कार्य कराए हैं, तो वो मुझे आप बताएं। बहुत सारे कार्य किए गए हैं, 5 का उल्लेख आप करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कटान की समस्या थी, और कटान पे हमने 23 करोड़ का काम किया, और इसके अलावा नहरों की समस्या थी, नहरों के लिए हमने 5 करोड़ 12 लाख का काम करवाया, पक्कीकरण का, और हेड से टेल तक पानी जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र में मौनी बाबा धाम है, वहां पर पर्यटन विभाग से मैंने 51 लाख स्वीकृत करवाया, और आज उसकी रंगत दूसरे ढंग की है, बहुत ही सुंदर बन रहा है वो। इसके अलावा मैंने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 2 लाख की लागत से पूरे विधानसभा में 60 जगहों पे हाई मार्क्स लाइट लगवाया है, उसका नागरिकों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। रात में जब उजाला होता है तो उजाले के अभाव में जो छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी उस पर अब प्रतिबंध लगेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने अपने मंत्री बनने के बाद सहकारिता विभाग को कुछ ही दिनों में 4 करोड़ 90 लाख दिलवाने का कार्य किया है, जिससे सहकारिता में जनपद के लिए एक अच्छा काम होगा। इसके अलावा हमने प्रदेश स्तर पे भी कुछ कार्य किए हैं, जैसे मुसहर समाज के लिए मैंने आवास का मांग किया था, और प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ स्वीकृत किया। इसके अलावा मिर्च की खेती हमारे क्षेत्र में होती है, और इस खेती को फसल का दर्जा नहीं था, हमने मांग किया, सरकार ने इसको स्वीकृत किया, और अब जो लोग मिर्च की खेती करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र में रोडवेज बस की मांग थी, हमने रोडवेज बस को भी चलवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी हम बहुत सारे लोगों को मदद करने का काम किया करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मंत्रालय मिलने के बाद ये तो सारे काम हुए ही, लेकिन अभी भी जो हमें कम समय ही मिला है, लेकिन हम लोग दृढ़ निश्चयी हैं कि अपने जनपद और प्रदेश के लिए अच्छा करेंगे। और इसी संकल्प के नाते अभी हाल ही में आपको आने वाले कुछ ही दिनों में गाजीपुर जनपद के लिए एक बड़ी सौगात का नाम सुनने को मिलेगा, जो हम अपने प्रयासों से जनपद को देंगे। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ गाजीपुर की सदर विधायक एवं राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। गाजीपुर से राहुल पांडे, न्यूज़ 1 के लिए।